नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग दास गर्ग ने व्यापारी प्रतिनिधियों की समस्या सुनने के उपरांत पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश व प्रदेश में व्यापार व उद्योग लगातार पिछड़ता जा रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा में जितने भी कृषि उपज मिले हैं, लगभग सभी मिलें नुकसान में चल रही हैं। काफी मिलों के मालिकों का तो इतना बुरा हाल है कि वह बैंकों के लोन चुकाने की भी स्थिति में नहीं है। काफी मिलों के बैंक खाते NPA तक हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा व्यापारी व उद्योगपतियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार बार बार प्रदेश में व्यापार व उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, जो सिर्फ एक ढकोसला है, जबकि इस सरकार ने अपने लगभग 45 महीने के कार्यकाल में धीरे धीरे करके लगभग 45 बार ही बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इतना ही नहीं, पानी की दरें व हाउस टैक्स में बढ़ोतरी करने के साथ साथ हरियाणा में हर व्यापारी व उद्योगपतियों पर नया जजिया व्यवसाय कर और थोप दिया आज है। पूरा हरियाणा का व्यापारी व उद्योगपति सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत ज्यादा दुखी है। सरकार दावा करती है बार बार और झूठी घोषणाएं करती है कि हम प्रदेश में व्यापार व उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, और हकीकत इससे परे है। उनकी घोषणाएं सिर्फ झूठ का पलिंदा है। हरियाणा से लगातार उद्योग पलायन कर रहे हैं। लगभग 45 महीने की सरकार में एक भी नया उद्योग हरियाणा में स्थापित नहीं हुआ, जहां तक कि लगभग 94 राइस मिलर और उनके जो गारंटर थे मिलरों के, आढ़तियों खिलाफ पर्चे दर्ज कर 1 क्विंटल जीरी है उसकी पिनाई के 15 रुपए के अंदर सरकार देती थी, 15 के बजाय 10 रुपए कर दिए। 1 क्विंटल पिनाई का खर्चा कम से कम 70 रुपए राइस मिलर को आता और 100 किलो जीरी के अंदर लगभग 62 किलो चावल निकलता है। सरकार आड़ की मिलरों से 67 किलो चावल ले रही है। ऐसी स्थिति है, कौन व्यापारी कौन उद्योगपति इस राज्य में व्यापार व काम कर सकेगा?